हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ डॉली शर्मा। तो आज मैं करने वाली हूँ एक विंटर मेकअप लुक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करूँगी मैं। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इडोटन की का मॉइस्चराइज़र। ये काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज़र है ऑयली स्किन वालों के लिए भी। अब मैं यूज़ करूँगी लैक्मे का ये ल्यूमी क्रीम। ये भी एक मॉइस्चराइज़र है लेकिन इसमें थोड़ा शिमर पार्टिकल्स हैं जिससे कि एक बहुत अच्छा ग्लो मिल जाता है फेस को। इसके बाद मैं मार्स का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। ये भी इल्यूमिनेटिंग प्राइमर है। इसके दो ड्रॉप लेके मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी और अच्छे से अपने फेस में इसको एब्जॉर्ब होने दूँगी। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी लैक्मे की सीसी क्रीम। मेरा शेड है 02 हनी। ये थोड़ा सा भी मेरी स्किन पर आपको लाइट लग रहा होगा लेकिन थोड़ी देर बाद में क्या है ना कि ये ऑक्सीडाइज हो जाता है तो मेरी स्किन का ही बन जाएगा। इसके बाद मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी फॉरएवर 52 की ब्यूटी स्पॉन्ज से। मेरा फेवरेट स्पॉन्ज है ये। अच्छे से मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी आइज़ के नीचे वगैरह सब जगह। उसके बाद मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ ये वेट एंड वाइल्ड का। मेरा शेड है इसमें मीडियम। जहाँ भी आपके प्रॉब्लम एरिया है, जहाँ भी आपको कवरेज चाहिए होती है, वहाँ पे आपको कंसीलर लगाना होता है या फिर अगर आपको हाई लाइटिंग करनी है अपने फेस पे तो इसलिए भी कंसीलर यूज़ किया जाता है। इसके बाद ब्लश के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ लिपस्टिक। आपके पास जो भी लिपस्टिक आप अप्लाई कर सकते हैं कोरल शेड या फिर पिंक शेड में। इसको ब्लेंड कर लूँगी मैं अपने फिंगर की हेल्प से। ये देखिए कितना अच्छा नेचुरल लुक आया है। इसके बाद हम सेट करेंगे अपने फेस को। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर का ट्रांसल्यूसेंट पाउडर। जहाँ भी आपको क्रीजिंग की प्रॉब्लम है वहाँ पे आप सेट कर लीजिए अपना फेस। इसके बाद मैं एक आई शेडो पैलेट में से ब्राउन कलर लेकर अपने फेस की ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ। आप भी कोई भी अपने आई शेडो पैलेट में से ब्राउन कलर लेकर ब्रॉन्जिंग कर सकते हैं। नोज की ब्रॉन्जिंग कर ली मैंने, थोड़ा सा फॉरहेड पे अप्लाई किया है और थोड़ा सा अपनी डबल चिन को हाइड करने के लिए। इसके बाद मैं ब्लश पैलेट ले रही हूँ ये शुगर का। इसमें से मैं ब्लश अप्लाई करूँगी अपने लिपस्टिक के ऊपर। उससे क्या है ना कि पैक हो जाएगा हमारा ना ब्लश। उसके बाद मैं वही ब्लश आई शेडो ब्रश के ऊपर लेकर अपनी आई पे अप्लाई करूँगी, पूरी आई पे। उसके बाद वही ब्लश पिंक कलर का एक एंगुलर ब्रश पे लेके अपनी लोअर लैश के नीचे अप्लाई करूँगी एक सॉफ्ट लुक के लिए। इसके बाद एक ब्राउन शेड लेके एज अ लाइनर मैं उसको अप्लाई करूँगी उसी ब्रश की हेल्प से एक सॉफ्ट लुक के लिए। इसके बाद मैं अपनी आईब्राउज फिल करूँगी। उसके लिए मैंने आईब्रो पाउडर लिया है वेट एंड वाइल्ड का। अपनी दूसरी आईब्रो भी मैं ऐसे कर लूँगी। आईब्रो को कॉम भी कीजिए आप जिससे कि एक नेचुरल लुक मिलेगा आपको। उसके बाद अप्लाई करेंगे मस्कारा, लेकिन उससे पहले मैं अपनी आई लैशेज़ को कर्ल कर लूँगी एक आई लैश कर्लर की हेल्प से। उससे क्या है कि एक अच्छा लुक आता है, फॉल्सीज जैसे हमने अप्लाई की हो ना ऐसा लुक आता है। मस्कारा के लिए मैं मेबलिन का ये मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। मस्कारा यूज़ करने से पहले जो भी एक्सेस है उसको रिमूव कर दीजिए आप। उससे क्या होगा कि आपकी लैशेज़ जो है वो क्लम्पी नहीं होंगी। देखिए कितना अलग लग रही है ना दोनों आईज़ में, फ़र्क देखिए आप। ये देखिए मेरे नोज़ पे थोड़ा सा मस्कारा लग गया है, इसको मैं रिमूव कर लूँगी बाद में। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा लुक आया है, एकदम फॉल्सीज जैसा। अब हाइलाइटर के लिए मैं ये नायका का डुओ पैलेट जिसमें कॉन्टोर शेड और हाइलाइटर शेड आता है। आप चाहें तो हाइलाइटिंग अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं मत कीजिएगा। बहुत ही सॉफ्ट हाइलाइटर है ये, बिल्कुल भी चौकी नहीं है। आई स्क्रीन और कॉर्नर्स को मैं हाईलाइट कर लूँगी। अब मैं लिपस्टिक ले रही हूँ यहाँ पे ये लैक्मे 925 प्राइमर प्लस मैट लिपस्टिक इन द शेड रोजी। इसको मैं अप्लाई कर लूँगी अपनी लिप्स पे अच्छी तरह से। और ये देखिए हमारा फाइनल लुक, एकदम ग्लोई ग्लोई सा। अगर आपको मेरा ये विंटर मेकअप लुक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।